हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी कोई शख्स नहीं बल्कि ये एक नफरती सोच है जिनके खिलाफ हम प्यार से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी। पीएम मोदी को संसद में गले लगाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर खुद पर हो रहे हमलों पर खुलकर अपनी बात रखी है। उनसे पत्रकार ने पूछा कि संसद में जिस तरह से आप मोदी को गले मिले, चुनाव के दौरान ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला? क्या झप्पी काम नहीं आई क्या? इस पर राहुल ने जवाब देते हुए कहा कि आप मुझसे बात कर रहे हो, आपको क्या लगता है मेरे मन में उनके खिलाफ कोई गुस्सा है क्या? मोदी व्यक्ति के साथ एक सोच है और उनकी सोच हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। उस सोच के खिलाफ मैं नरेंद्र मोदी से लड़ रहा हूं। मेरी उनकी सोच से लड़ाई है। हम उनको प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। गडकरी का मोदी पर तंज। 2019 का चुनाव विकास पर लड़ने के बजाय हिंदू मुस्लिम पर लड़ा जा रहा है। इस बार का लोकसभा चुनाव शर्मनाक बयानों से के चलते याद रखा जाएगा। सत्ताधारी दल से लेकर विपक्षी नेताओं के पलटवार में जो भी कुछ अब तक सामने आया है उसे देख ये तो नहीं कहा जा सकता है कि इस चुनाव में चर्चा कहीं भी विकास की हुई है, बल्कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर अधिक चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो टेढ़ी नजरों से प्रधानमंत्री पद की तरफ देख रहे हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है। प्रियंका बोली, अमेठी में चुनाव जीतने के लिए ग्राम प्रधानों को 20,000 की रिश्वत दे रही है बीजेपी। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर रिश्वत देकर वोट खरीदने का आरोप लगाया है। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि अमेठी में बीजेपी ने ग्राम प्रधानों को 20,000 रुपए रिश्वत दी है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने अमेठी के लोगों के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है। भगवा दल को ये गलत फहमी है कि वो पुश्तों से चले आ रहे प्रेम और सच्ची राजनीति की मिसाल को इतनी रकम में खरीद लेंगे। विदेशी मीडिया के सामने बीजेपी प्रवक्ता ने माना आतंक की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर नहीं है बेकसूर। मालेगांव बम ब्लास्ट की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बताए जाने पर भले ही देश के मेनस्ट्रीम मीडिया ने बीजेपी से सवाल ना किए हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अब पार्टी से इस पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट के प्रमुख न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने 3 मई के अपने कार्यक्रम अप फ्रंट में बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली से इस मुद्दे पर बात की। कार्यक्रम में चैनल के एंकर मेहंदी हसन ने बीजेपी प्रवक्ता से साध्वी प्रज्ञा के टिकट दिए जाने पर कई तीखे सवाल पूछे हैं। 2G स्पेक्ट्रम से भी बड़े घोटाले में फंसी नरेंद्र मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मोदी सरकार का नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा का सच धीरे धीरे देश के सामने आ रहा है। सरकार पर बिना वैल्यूएशन के 358 खदानों की लीज के एक्सटेंशन का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पिछले चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर देश को गुमराह करने वाली सरकार का यह घोटाला राफेल मामले के बाद दूसरा बड़ा आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया है कि सरकार ने देश भर में कच्चे लोहे की 358 खदानों की लीज का एक्सटेंशन बिना वैल्यूएशन किए कर दिया है। खराब सड़क देख बीजेपी सांसद पर भड़की उनकी मां, कहा 5 साल में सड़क भी नहीं बनवा पाया। बिहार में मतदान चल रहा है, इस मौके पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी की मां भी वोट करने अपने घर से निकली। चलने में दिक्कत होने के कारण वो उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए कई लोगों के सहारे के बाद वोटिंग करने जा रही थी। वहीं एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या आप अपने बेटे से सवाल करेगी कि 5 साल में सड़क क्यों नहीं बनवाए। रूड़ी की मां पहले जवाब दिया कि वोट करने जा रही हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस पर पत्रकार ने सवाल किया कि आपको चलने में दिक्कत है, उस पर से आप ऐसे खराब रास्तों से होते हुए जा रही हैं, तो ऐसे में ऐसे घर में शिकायत करेंगी कि सड़क नहीं बनी है, इसे बनवाएं। मोदी ने राजीव को बताया भ्रष्टाचारी तो भड़के ठाकरे, बोले देश आपको माफ नहीं करेगा। पीएम मोदी ने पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि वह मिस्टर क्लीन की इमेज के साथ आए थे, लेकिन भ्रष्टाचारी नंबर 1 के तौर पर जीवन काल समाप्त हुआ। इस बयान पर विपक्षी नेता उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी मोदी पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा, नफरत, अंतहीन झूठ और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा लांघने में रत्ती भर अफसोस नहीं, 3 ऐसी बातें हैं जो नरेंद्र मोदी की पहचान बन गई है। यह दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ उनके नवीनतम बयानों से और तेज हुआ है। राष्ट्र उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करेगा। बदमाशों ने मोदी मोदी का नारा लगाकर की लूटपाट, RGD बोली अब हर डकैत अब मोदी मोदी करते ही आ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को देश का चौकीदार बताते हैं और देश में उनके ही नाम पर लूटपाट की जा रही है। दरअसल बिहार के सिवान में कुछ डकैतों ने मोदी मोदी का नारा लगाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। मामला सिवान के सिसवंत थाना क्षेत्र के घुरघाट का है। यहाँ कुछ बदमाशों ने डकैती की वारदात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पहले डकैतों ने मोदी मोदी का नारा लगाकर दरवाजा खुलवाया और फिर घर में घुसकर जमकर लूटपाट की। अमेठी में स्मृति ईरानी को जिताने के लिए रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति पर मेहरबान हुई बीजेपी। 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने गैंगरेप के आरोपी सपा नेता गायत्री प्रजापति के नाम पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा था। उस वक्त बीजेपी अपनी चुनावी रैलियों में सपा पर ये आरोप लगाया करती थी कि पार्टी रेप के आरोपी को संरक्षण दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मार्च 2017 में जौनपुर की एक चुनावी रैली में ये कहा था कि इस देश में जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। सरोजनी नगर विधानसभा में ईवीएम हुआ खराब, सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की वोटिंग जारी है। 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा की बूथ संख्या 346 में ईवीएम के खराब होने की घटना सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से की है। उत्तर प्रदेश किसी भी पार्टी की जीत और हार का फैसला करने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी राजधानी लखनऊ में मुकाबला देखने लायक है। बीजेपी ने यहां से गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। मोदी जी, राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जमीन पर ही नहीं दिलों पर भी हुकूमत की है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि वह मिस्टर क्लीन की इमेज के साथ आए थे, लेकिन भ्रष्टाचारी नंबर वन के तौर पर जीवन काल समाप्त हुआ। इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनाव खत्म हो गया है, सप्रेम झप्पी। पीएम मोदी ने के शर्मनाक बयान पर बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आतिशी के समर्थन में जिग्नेश ने कहा, वोट उसे दे जो आपके बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेजे, अयोध्या नहीं। पूर्वी दिल्ली से आप प्रत्याशी आतिशी के लिए वोट मांगने आए जिग्नेश मेवानी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वोट उसे दें जो आपके बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेजे, अयोध्या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम राजनीति के कारण गरीब बच्चों को अयोध्या भेजना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपनी अगली पीढ़ी को कुंभ या अयोध्या नहीं बल्कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड भेजना चाहते हैं जहां आतिशी ने पढ़ाई की है। ईसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर, प्रशांत भूषण लड़ेंगे केस। वाराणसी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और रिटायर्ड बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने नामांकन रद्द होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तेज बहादुर की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण उनका केस लड़ेंगे। बता दें, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है। मोदी के सामने खड़ा होने के बाद समाजवादी पार्टी ने तेज बहादुर को इस सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन शर्तें पूरी नहीं होने की वजह से चुनाव आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। मोदी को मिली क्लीन चिट पर ईसी के एक अधिकारी ने जताई असहमति, क्या चुनाव आयोग भी बट गया? बीते दिन चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को उनके भाषण के लिए क्लीन चिट दे दी थी। अब इस फैसले पर चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने आपत्ति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अधिकारी ने 1 अप्रैल को वर्धा के भाषण को लेकर दिए पीएम को क्लीन चिट के फैसले पर असहमति जताई। दरअसल पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर अल्पसंख्यक बहुल वायानाड सीट से चुनाव लड़ने को लेकर निशाना साधा था। अपने भाषण में कहा था, जहां बहुसंख्यक कम है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। रोड शो के दौरान केजरीवाल को शख्स ने मारा थप्पड़, संजय बोले, मोदी राज में सीएम भी सुरक्षित नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फिर हमला हुआ है। नई दिल्ली लोकसभा सीट के मोदी नगर इलाके में प्रचार करने पहुंचे केजरीवाल जब खुली गाड़ी में सवार होकर रोड शो कर रहे थे, तभी एक लाल टी शर्ट पहने लड़का गाली देते हुए केजरीवाल को थप्पड़ मारकर नीचे की तरफ गिर गया। जानकारी के लिए बता दे, सीएम केजरीवाल के साथ दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहते हैं, जो उस वक्त भी मौजूद थे जब केजरीवाल प्रचार कर रहे थे, फिर भी लड़का उनके करीब पहुंच गया। गांजे की बिक्री पर रोक लगाए चुनाव आयोग, नशे की हालत में भाषण दे रहे हैं मोदी, संजय सिंह। इस बार चुनाव में एक बार फिर अहम मुद्दों को पीछे छोड़ नेहरू गांधी परिवार पर चर्चा शुरू हो चुकी है।
पीएम मोदी ने एक बार फिर कमर कसते हुए इस बात का जिम्मा उठाया। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि वह मिस्टर क्लीन की इमेज के साथ आए थे, लेकिन भ्रष्टाचारी नंबर वन के तौर पर जीवन काल समाप्त हुआ। उसके बाद विपक्षी खेमा भड़क उठा। दिल्ली में भले ही आप और कांग्रेस का गठबंधन ना हुआ हो, लेकिन पीएम के इस बयान को लेकर आप नेता संजय सिंह ने नाराजगी जाहिर की। ईसी लगातार मोदी को क्लीन चिट दे रहा है। क्या कोई है जो पीएम को बचाने के लिए वहां मौजूद है? रविश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुनील सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, इन तीनों पर भारत का हर नागरिक भरोसा व्यक्त करता है कि इनके निर्देशन में चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्व को निभाने में कोई समझौता नहीं करेगा, किसी भी नेता के दबाव में नहीं आएगा और न ही किसी राजनीतिक दल की मदद करेगा। चुनाव आयोग से आने वाली खबरें बहुत आश्वस्त नहीं कर रही हैं। सब कुछ इतिहास के भरोसे मत छोड़िए, वर्तमान का भी दायित्व है दर्ज करना। हिंदी की जनता तक सूचना नहीं पहुंचने दी जा रही है। इन सूचनाओं को पहुंचाइए कि चुनाव आयोग कैसे हमारे भरोसे का इम्तिहान ले रहा है। हर दिन वह भरोसा पहले से अधिक हिल जा रहा है। वरुण गांधी में भरा है जातीय अहंकार, दलित पिछड़ों के खिलाफ बोलना इनके संस्कार में है, सपा नेता। वरुण गांधी ने जैसे अखिलेश यादव समेत सपा पर जातिवाद टिप्पणी की, वैसे ही सपा खेमा वरुण के बयान से भड़क उठा। पार्टी प्रवक्ता सुनील सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा के नेता वरुण गांधी की ये भाषा बताती है कि इनके भीतर कितना जातीय अहंकार और मनुवाद भरा है। दलितों पिछड़ों की प्रगति से इन्हें दिक्कत है। इनके पिता ने देश के साथ जो किया आज तक उसकी कालीख नहीं मिटा पाए, और जमीनी नेताओं के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं, ये दिक्कत इनके संस्कार की है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।